जी गाइस, आज हम आए हैं थोड़ी ग्रोसरी श्रोसरी करने का दिल हमारा चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो बच्चों चलो ग्रोसरी करते हैं। अब हम पहुंचे हैं बिन हाशिम स्टोर पर और ये इंशा जो है बस इनाया इंशा इमाद जो ग्रोसरी ना लेने जाएंगे तो हो ही नहीं सकता। ग्रोसरी हो सब्जी हो, बच्चे सबसे पहले हाजिर हैं। तो गाइस आज बच्चे सारी शॉपिंग करेंगे और मैं और इब्राहिम जो है बस इनके साथ साथ चलती हैं, देखते हैं कि बच्चे क्या ग्रोसरी करते हैं। वैसे बच्चों ने तो ग्रोसरी करनी नहीं, कोई ख़ास करनी तो हमने ही है, लेकिन बच्चों को भी ग्रोसरी करने आने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या क्या बच्चे ख़रीदते हैं। ऐसे ये स्टोर है, यहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, एक ही छत के नीचे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर आपने जो है अपने पैसे यहाँ पे जो है एक्सचेंज कराने हैं तो मनीग्राम भी यहाँ मौजूद है गाइस। और हर तरह की, ये रमज़ान आ रहे हैं, रोज़ अफ़ज़ा जामशीरी देखे पड़े हुए, रौनकें बहाल हो रही हैं रमज़ान की। मैंने सोचा कि थोड़े स्पैगेटीज़ वगैरह बनाने हैं, बच्चे काफ़ी दिनों से स्पैगेटीज़ की फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा स्पैगेटी बना लो। समझ नहीं आ रहा कि लूँ क्या, और बच्चे न जाने कहाँ पर पीछे गायब हो गए। बच्चों के अब्बा इन आया खासो मत, बच्चों के अब्बा जो है वो गाइस असल में मैं जो है वॉइस डाल रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि पूरी वीडियो बना लूँ, घर आके आराम से वॉइस डालूंगी। गाइस इस वक्त मोबाइल मेरे हाथ में और मुझे अच्छा। भी मजा आ रहा है, देखिए। और इस वक्त इनाया को मैंने मोबाइल दे दिया था, मैंने कहा इनाया आप जो है वीडियो सारी आप बनाइएगा और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, लेकिन इनाया के हाथ में कैमरा देना गर्दने उड़ा देना। इनाया की, इनाया जब हाथ में कैमरा लेती हैं तो वो गर्दने गायब कर देती हैं, और जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ तो पीछे से जो है मोबाइल में व्हाट्सएप आ रहे होते हैं और उसकी जो टोन है वो भी इसमें एडिट हो जाती है। आज हमने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करनी, हल्की फुल्की ग्रोसरी हमने करनी थी, क्योंकि गाइस अगली वीडियो देखिएगा, हम लोग अभी डालने वाले हैं, क्योंकि ना अभी हम लोग रमज़ान का हजार तरीन सामान लेने जाएंगे। इस बार तो हमने खाली फिलहाल इनाया अगर बीच में ना बोले तो लगता ही नहीं है कि एडिटिंग करने के लिए मैं बैठी हूँ। और गाइस यहाँ पे हर तरह की देखें, गोश और मगज़ भी पड़ा हुआ है और कलेजी मुर्गी गुर्दे फेफड़े और पूरा बकरा काट पीट के यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल ग्रोसरी कर रहे हैं। और ये देखें कितनी प्यारी प्यारी फ्रेश फ्रेश सब्ज़ियाँ, लेकिन हम सब्ज़ी यहाँ से नहीं लेते, हम सब्ज़ी लेते हैं अपने घर के करीब से। जी अलमरवा की जो है कुटी हुई मिर्च ले ली है। और ये इंटो बेगम पता नहीं क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं आप, थोड़े ज़ोर से बोले। इंशा कह रही है कि ट्रॉली जो है इंशा और इमाद ने जो है निकाली थी, बहुत बड़ा काम किया था, अजीम काम इनके, इसके लिए इन्हें जो है एक से इक्कीस तोहफों की सलामी देनी पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पर आप जो है अगर रेट मालूम करने तो स्कैन करके आप जो है रेट भी मालूम कर सकते हैं। हर तरह के मसाले यहाँ मौजूद हैं। और ये इनाया जो है खेले ना हो ही नहीं सकता रेट मालूम करने की कुटी में मिर्चों के, जो कि रेट वहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। और चलते हैं आगे, आया ही नहीं था रेट, मशीनें लगी भी होती है लेकिन बाद दफा वो काम नहीं कर रही होती। हाँ, कोई कुछ खराब। हाँ जी, तो मेरा गला तो दुख गया है बोल बोल के, लेकिन मैंने फिर भी बोलना है। और थोड़े से जो है बम्बई की बिरयानी, ज़बरदस्त बम्बई बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है। इब्राहिम मुझे कहते और भी ले लो, कोफ्ता मसाला है और अलग अलग तरह के मसाले, लेकिन मैंने कहा फ़िलहाल बकरा ईद नहीं आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं तो हमें रमज़ान का सामान लेना है। अभी तो फ़िलहाल हम घर की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रोसरी कर रहे हैं, चॉकलेट वगैरह हनी मिल्क का ये सारा इनका यहाँ पे ये ना स्टोर हुआ है, इतने मज़े का आता है ये। बच्चे जो है चीज़ें देख कर ना अपनी पसंद की उठाते हैं, इमाद तो केचप उठाता है और इनाया इंशा जो है ये नूडल्स और दूसरी चीज़ें उठाती हैं। मैंने नूडल हटा दिए थे, ये केचप अगर ना आए ना घर में तो लगता ही नहीं है कि हमने जो है ग्रोसरी ली है। अरे इसमें तो केचप के दो पाउच है, लेकिन जब हमने घर आके केचप देखा तो उसमें एक ही पाउच था, पापा ने कम कर दिया था। अच्छा अच्छा सही है, क्योंकि गाइस इस वक्त हम घर में बैठ के अपनी व्लॉग की वॉइस जो है कवर कर रहे हैं, तो हम अपनी बातों में भी लगे हुए हैं और साथ साथ जो है चाय भी हमारी चल रही है। तो मैंने सोचा कि पब्लिक बोर ना हो जाए तो मुसलसल बोलने का जो है मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड आज कायम करना है। 4:45 हो गए हैं लेकिन मैं बोल रही हूँ और बच्चे मेरा मुँह देख रहे हैं कि मम्मा बस बहुत हो गया, कितना और बोलोगी।
तो अब गाइस हम जो है थोड़ा स्टोर की जानिब बढ़ते हैं और लिफ्ट में जगह नहीं है और हमें वेट करना पड़ेगा। फाइनली जगह बन गई है गाइस और हम जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर। और ये देखिए खूबसूरत तरीन मेरा बेटा मोहम्मद इमाद और खूबसूरत तरीन मम्मा मेरा तो मेरी बेटी है खूबसूरत तरीन। और ये देखिए ये ऊपर का एरिया है गाइस। गाइस अभी प्लेन लिया बनेगा। गाइस अभी प्लेन हम लोग आ रहे हैं। जी व्यूअर्स जो है मैं यहाँ से सर्फ वगैरह तलाश कर रही थी और बच्चे जो है चले गए हैं स्टेशनरी की जानिब। जब ये बच्चे स्टेशनरी की जानिब जाते हैं ना तो फिर ये जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि हम हर तरह की स्टेशनरी से जो है पूरी पूरी ट्रॉली भर लें। जब इनको ये नहीं पता कि इनके अब्बा को ये सख्त ना पसंद है बस। और यहाँ पर जो है देखिए मेरा एक फेवरेट पाउडर यहाँ हुआ करता था, मैं उसे ढूँढ रही हूँ लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। और न जाने कहाँ इन्होंने, लगता है उस कंपनी वालों से इन्होंने जो है अपना रब्ता मुनक़ता कर दिया है। बहरहाल बच्चे जो है मसरूफ़ है लेकिन यकीनन इनके अब्बा कोई चीज़ इन्हें नहीं दिलाने वाले और बच्चे उदास उदास घूम रहे हैं। बस हमने जो है ग्रोसरी थोड़ी बहुत गाइस की है और इंशाल्लाह रमज़ान के करीब आते ही हम मज़ीद ग्रोसरी करेंगे और बूट पॉलिश बच्चों की स्कूल की ये ज़रूरी होती है। और बस अब चलते हैं घर की जानिब। हो गई है ग्रोसरी कंप्लीट। यहाँ पर जो है आउटफिट्स वगैरह भी काफ़ी मौजूद होते हैं और ये इनका स्टोर रूम एरिया है। यहाँ से अब बच्चे जा रहे हैं ऊपर वॉशरूम की जानिब। जब बच्चे जब आए स्टोर पर वॉशरूम ना देखें तो लगता ही नहीं है कि बच्चे जो है अपने मम्मा और पापा के साथ कहीं आउटिंग पर निकले हैं। और यहाँ पर जो है ना फोर्थ फ्लोर पर जाकर वॉशरूम का जो है एरिया है, लेकिन लिफ्ट यहाँ की इतनी ख़तरनाक है जो पीछे से स्टोर रूम के जाने से जो लिफ्ट जाती है वॉशरूम की तरफ उससे जो है ना मुझे घबराहट होती है। बिल्कुल पैक सी लिफ्ट है तो मैं जो है उस लिफ्ट को ज़रा अवॉइड करती हूँ। बाकी जो नीचे मेज़नाइन फ्लोर की वगैरह जो लिफ्ट है वहाँ तो चलो हम बैठ जाते हैं, लेकिन जो युवा यहाँ की जो यहाँ पर जो लिफ्ट है ना वो बहुत अजीब सी है, बंद बिल्कुल। और ये हमें रास्ता बता रहे हैं कहाँ पर है वॉशरूम। जो फोर्थ फ्लोर जो है चढ़ के हम ऊपर आ चुके हैं और बच्चे जाएंगे अब ज़रा फ्रेश होंगे। अब तक जो है आप वेट कीजिए, फिर हम नीचे जाके मज़ीद आपको जो है स्टोर दिखाएंगे। बिन हाशिम स्टोर है ये और ये गुलिस्तान जौहर के जो है मेन गुलिस्तान जौहर में वाकई है। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ जो है हैं, रीज़नेबल प्राइस भी हैं। बस अब गाइस बच्चे और हम सब नीचे आ चुके हैं, बस अब बिल बनाने का टाइम आ गया है और ये ज़रा डेंजर लगता है तो इसलिए मैं करीब ही नहीं जाती जब बिल बन रहा होता है। ये सारे काम उन्हीं के होते हैं जिनके पास जो है अमाउंट होता है। तो थोड़ी सी पैकिंग शैकिंग हो गई है, बस अब घर की जानिब निकलते हैं। और इब्राहिम जो है अपने कार्ड से पैसे जो है दे रहे हैं और इमाद हो गए उदास। इन्हें चाहिए थी फुटबॉल जिसकी कीमत थी 1200 रुपये, तो मैंने कहा बेटा बाद में ले लेंगे, लेकिन इमाद उदास बहुत शदीद उदास हो गए, मान नहीं रहे हैं और इन्हें फुटबॉल आज चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं इन्हें दिला दूँगी बाद में इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल इमान बेटा आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत राशन लिया है चलिए घर पे। और इमान बिल्कुल उदास है और हम घर की जानिब अब जा रहे हैं। बच्चे उदास हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है दिल दुखता है, लेकिन क्या करेंगे, हर बार बच्चों की जो है बात मानी भी नहीं जा सकती। कभी कभी बच्चों की बात को जो है हमें मना करना पड़ता है ताकि इन्हें हर तरह की आदत हो, कभी इनकी बात माने कभी नहीं माने। अगर हर बार बात मानी जाएगी तो फिर बच्चे जो है फिर यही समझेंगे कि हमारी बात ही मानी जाए। जब अवॉइड किया जाएगा थोड़ी इनकी बातों को तो जो है बच्चे फिर ये सोचेंगे कि कभी मामा पापा मानते हैं कभी नहीं मानते। तो हर तरह की जो है इन्हें आदत होनी चाहिए। और हम जा रहे हैं घर की जानिब। इनाया जो है अपने अब्बा के साथ इतनी भारी ट्रॉली जो है घसीटती हुई लेकर गई हैं। और इंशा मैडम ये जब कोई सीधा रास्ता नहीं अपनाती, हमेशा सीधे रास्ते पे चलना जैसे कि मुश्किल है इनके। देखिए कभी इधर कभी उधर, ये गिरेंगी ज़रूर। जब मैं इसको कह रही हूँ गिरेंगी, ओ ओ देखा मैंने कहा था ना गिरोगी। बस अब चलते हैं घर के जाने, बड़ी शरीर बच्चे हैं ये। और ये देखें
ये ऐसे लग रहा है पिंड से आए हैं, पिंड से बच्चे आए हैं शॉपिंग करने, और ये ट्रॉली को इन्होंने जो है गड्डी बना लिया है, गड्डी होले होले चला रहे हैं ये। ये देखिए बेटा, ये पिंड नहीं है, ये शहर है, शहर। ये देखिए ये बचपन भी कितना प्यारा होता है ना, हर चीज़ से इंसान जो है इंजॉयमेंट कर लेता है, बचपन बचपन होता है। ये देखिए इनाया भी इनाया है, अब इंशा की ट्रेन आ गई है, अब जो है इंशा की सवारी, शाही सवारी जो है इनाया घसीटती हुई लेके जा रही है, और ये वापसी ये इंशा डांस कर दी वो बच्चे भी, ये शाही सवारी में इंशा सवार होते हुए आई हैं। और इब्राहिम कहते हैं कि मेरी बाइक की वीडियो मत बनाया करो, बहुत ही खस्ता हालत है कोई बात नहीं, आज ये खस्ता है इंशाल्लाह, इन फ्यूचर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है इतना दे कि हम जो है इस गाड़ी को, इस बाइक को भी रिपेयर कराएं, और अच्छी सवारी को अपने बच्चों के लिए अल्लाह के हुक्म से ख़रीदें। हर तरह का वक्त आता है दुनिया में, कोई मसला नहीं है। तो गाइस हम चलते हैं घर के जाने, ये देख लीजिए ये एंट्रेंस है, ये नया ट्रॉली रखने का, ये भागती भी आ रही है और बस हम घर के जाने चलते हैं। और हमारे व्लॉग को जो है प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सामान लेके हम घर आ गए हैं, देखिए क्या क्या सामान है नया देख रही हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जब तक जो हम सारा सामान सेट करते हैं, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ आपको दिखा रही है, बिल, जिसको देख कर सबका हिल जाता है दिल, हम अपना दिल काबू में रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।